खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद FIR जो है वो दर्ज की गई है। ग्रेनो बिसरक क्षेत्र जलालपुर में अवैध निर्माण पर FIR दर्ज की गई है। अधिसूचित क्षेत्र कॉलोनाइजर प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे थे। कॉलोनी काटने को लेकर प्राधिकरण की टीम ने निर्माण कार्य को रोका था और निर्माण रोकने पर कॉलोनाइजरों ने टीम के साथ बदसलूकी की थी। कॉलोनाइजर बिसरक के खसरा नंबर 814 की 12,000 वर्ग मीटर जमीन पर यह अवैध कब्जा था, जिसके बाद न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया। थाना बिसरक पुलिस ने FIR दर्ज किया। मनोज नगर और इसी के साथ ही लीलू रोहित योगेश समेत इनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दे कि मुआवजा उठी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूज वन इंडिया और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत जी, न्यूज वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिसरक के जलालपुर गांव में 814 खसरा नंबर पर ये 12,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन है, मुआवजा उठी हुई जमीन है, उस पर लगातार जो कॉलोनाइजर है वो कब्जा कर रहे थे और निर्माण कर रहे थे। जिस तरीके से जानकारी मिली है कि उसमें बेसमेंट की भी खुदाई चल रही थी और कहीं ना कहीं लगातार कब्जे करने का काम जो है चल रहा था, जिसमें मनोज नागर, लीलू है, रोहित है, उसके अलावा कुछ आदि लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे की कार्रवाई की गई है। और साफ तौर पर न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। जिस तरीके से जानकारी ये मिली थी कि प्राधिकरण की टीम वहां पर पहुंचती है, प्राधिकरण की टीम के साथ जो है नोकझोंक होती है, बदसलूकी होती है, और जिसके बाद इस मामले में जब न्यूज वन इंडिया खबर चलाता है उसके बाद जो है प्राधिकरण के अधिकारी लिखित शिकायत देते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई जो है कॉलोनाइजरों के खिलाफ की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार न्यूज इंडिया खबर दिखा रहा है, खबर दिखाने के बाद शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है, कानों पर लगातार हम ढोल पीट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुंभकर्णीय निंद्रा जो है प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों की देखने को मिलती है। हमें CEO जो ग्रेटर नोएडा है उनका साफ कहना था कि कोई भी कॉलोनाइजर हो या फिर भूमाफिया हो या कब्जाधारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए नीचे तबके के जो कुछ अधिकारी होते हैं, सर्किल के अधिकारी होते हैं, वो लगातार निर्माण कराते हैं। जिसके बाद हमने खबर दिखाई, खबर दिखाने के बाद जो है अब कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें अभी हमें सूत्रों से ये भी जानकारी है, इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलोनाइजर हैं वहां पर जब लगभग 50 बीघे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े विला, बड़े बड़ी इमारत बन चुकी हैं। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, इन पर कब बुलडोजर चलेगा, कब FIR होगी? हालांकि इनके खिलाफ पूर्व में भी FIR की कार्रवाई हो चुकी है, पूर्व में भी न्यूज वन इंडिया खबर दिखा चुका है। सवाल यही है कि अब जो इन कॉलोनाइजरों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, इनकी गिरफ्तारी कब होगी? जी बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है निशान जी कि FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी और जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है क्या उनकी लोकेशन वगैरह अभी तक मिली है कि कहां पर है? ये जो लोग हैं, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, कुछ लोग बिसरक के हैं जिनकी पूरी बाकायदा उनके नाम, डिटेल, लोकेशन के साथ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाल यही होता है कि नोएडा कमिश्नरेट जो एक पावरफुल कमिश्नरेट है, उसके अंदर तमाम अधिकारी IG रैंक से लेकर तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हालांकि उनकी गिरफ्तारी कब होती है? क्योंकि कॉलोनाइजर जो है सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं, हालांकि सरकार की मंशा है कि कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, और जिस तरीके से साफ कहा जा सकता है, दूसरा एक Saveri 2 बसाने का काम जो है ये कॉलोनाइजर लगातार कर रहे हैं। ये जो है अवैध कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, और सरकारी जमीन का बेचने के नाम पर जो है भोले वाले लोगों को, उनकी जीवन भर की पूंजी को डकारने का काम कर रहे हैं। जी, और निशान जी सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कॉलोनाइजरों को पुलिस और प्रशासन और प्राधिकरण का डर क्यों नहीं है? देखिए, सूत्रों से ये भी जानकारी हमें मिली है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर जो सर्किल के कुछ तबके के अधिकारी होते हैं उनसे कहीं ना कहीं साठगांठ कर लेते हैं, जिसके बाद जो है अवैध निर्माण करते हैं, अवैध कब्जा करते हैं, और उसके बाद जो है पूरा ये जो खेल है लगभग चलता है और इसमें भोला वाला आदमी जो फंस जाता है। अब इस मामले में प्राधिकरण की टीम जब पहुंचती है, निर्माण को रुकवाती है, उसके बाद नोकझोंक होती है, बदसलूकी होती है, हालांकि इस मामले में इनके द्वारा लिखित शिकायत दी जाती है, और जिसके बाद न्यूज वन इंडिया इस मामले को उठाता है। अब FIR की कार्रवाई की गई है, FIR की कार्रवाई के बाद हमारा सवाल यही है, न्यूज वन इंडिया का सवाल यही है कि अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, इनके खिलाफ जो शासन की
सरकार की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई कब होगी, कब गिरफ्तारी होगी? जी बिल्कुल। और निशान जी, सवाल ये भी उठता है कि जब ये अवैध कॉलोनाइजर जो हैं वो अवैध तरीके से कॉलोनी काट रहे होते हैं तो प्राधिकरण भी लेट लतीफी कार्रवाई करता है, कहीं ना कहीं प्राधिकरण की ओर से भी शिथिलता बढ़ती जाती है। पूर्व में भी देखा गया था कि कुछ मामलों में ऐसी खानपूर्ति हमें देखने को मिली है जहां 814 खसरा नंबर जमीन है, यहां पर 12,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है जिस पर ये कब्जा कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ ऐसे खसरा नंबर है जो प्राधिकरण की जमीन है, ये जो एरिया है सेक्टर एक का जमालपुर एरिया है जिसमें कहीं ना कहीं इन निर्माण जो है धड़ल्ले से किए जा रहा, फ्लैट बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी काटी जा रही है, विला बनाए जा रहे हैं, इन पर जो अवैध निर्माण पर रोक लगाने में पूरी तरीके से नाकाम है। हालांकि बार बार हम ढोल पीट रहे हैं, इसके बाद जो है खबर चलाने के बाद प्राधिकरण जो टीम होती है, अधिकारी जो होते हैं वो हरकत में आते हैं, कार्रवाई करते हैं। अब सवाल यही है कि FIR तो की गई है, FIR के बाद जो है गिरफ्तारी कब होगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला।